हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8th वॉक में एंड द टॉपिक स्क्वायर क्यूब एंड देयर रूट्स, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब और क्यूब रूट्स। तो आज की एक्सरसाइज में 3.1 है। इससे पहले कि हम सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, कोई भी एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम इससे पहले की, तो नीचे आप डिस्कशन बॉक्स में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2061। तो हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है। तो 2, 6, 8, 1, 9 है तो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 है, इवन नंबर नहीं है, तो हमने 3 से डिवाइड करा। 3, 6 जा 18 कैरी 2, 2, 6, 26 3, 8 जा 24 कैरी 2, 2, 1, 21 और 3, 7 जा 21। अब इनका सम 8, 6, 14, 7, 21 इज डिविजिबल बाई 3, तो अगेन डिवाइडेड बाई 3। 3, 2 जा 6 3, 9 जा 27। अब 229 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि किसी से कैंसिल नहीं हुआ, किसी से डिविजिबल नहीं है, तो इसके फैक्टर यही हो गए बस। प्राइम फैक्टर 2061 इज इक्वल 3 × 3 × 229। स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्राइम फैक्टर के पेयर बनाते हैं। अगर सभी प्राइम नंबर के पेयर बन जाते हैं तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में 229 यानी 229 क्या पेयर में नहीं है, लिख दोगे सिंस 229 इज नॉट इन पेयर, पेयर में होना चाहिए हर प्राइम फैक्टर को, यहां नहीं है, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 2061 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एक बात और बतानी थी कि मैंने एक नया चैनल और बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसमें आपको बिना ऐड के वीडियो देखने को मिल जाएगी, है ना, इसमें आपको ऐड आते हैं, बीच में टाइम लगता है, तो आपको ये वीडियो भी मिलेगी, सारी एक्सरसाइज मैं उसमें भी अपलोड कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। न्यू चैनल नाम करके मैंने लिख दिया है, माई न्यू चैनल लिंक, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट इज 7928। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लास्ट में 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड करें। 2, 3 जा 6 कैरी 1, 1, 9, 19 2, 9 जा 18 कैरी 1, 1, 2, 12 2, 6 जा 12 2, 4 जा 8 लास्ट में 4 है, 4 से मतलब इवन नंबर है, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, अगेन डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे। 2, 1 जा 2 2, 9 जा 18 कैरी 1, 2, 8 जा 16 2, 2 जा फिर 2 है, यानी कि इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, 9 जा 18 कैरी 1, 1, 8, 18 2, 9 जा 18 और 2, 1 जा 2 ओके। तो ये आ गया 991, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। 991 क्या है, परफेक्ट बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर है ना, तो ये क्या होगा, पेयर नहीं बना। चलो लिख देते हैं, तो क्या हुआ, 7928 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 2 × 2 × 2 × 991 पेयर बनाए, तो 2 का एक पेयर बन गया। यहाँ पर 2 भी अनपेयर में है और 991 भी अनपेयर में है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी यहाँ पर मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी ये आता है कि जैसे ऊपर वाला सवाल था, इसमें किससे मल्टीपल कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जो अनपेयर है, यहाँ 229 एक बार आ जाता, सपोज करो ये आया था 229, तो पेयर बन जाता, पेयर बन जाता तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो जो अनपेयर है उससे मल्टीपल कर देना चाहिए, या डिविजिबल वाला भी है तो सेम, इसमें अगर हम 229 से डिवाइड कर दें तो 9 बचेगा और 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो डिवीजन का हो या मल्टीपल आगे आएंगे अभी, तो यहां मैंने इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूं कि वहां भी डिस्कस करेंगे, यहां भी कर दिया, तो यहीं से हो जाता है, करेंगे सेम ऐसी प्राइम फैक्टर लिखेंगे, जो अनपेयर है उसको पेयर बनाने के लिए जितने कम पड़ रहे हैं उसका मल्टीपल करेंगे, या डिवीजन है तो जो अनपेयर है उसको डिवाइड कर दो। जैसे अगर इसमें पूछते किससे मल्टीपल करें तो आंसर आ जाता 229 से, या किससे डिवाइड करें 229 से। सेकंड पार्ट में पूछता किससे मल्टीपल करें तो 2 × 991 जो भी मल्टीपल आता उससे करते, या डिवाइड करें तो 2 × 991 से डिवाइड करते, ये कैंसिल हो जाते तो पेयर बच जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो क्या लिखेंगे यहाँ,
कि टू एंड यानी टू और 991 आर इन नॉट पेयर, ये पेयर में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो 7928 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके नाउ सी पार्ट 2401 4 2 6 6 और 1 7 2401 किससे कैंसिल होगा, 2 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, चलिए करते हैं। इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा ना 5 से, तो 7 से हो रहा है। देखो 7 3 20 1 कितना बचा, 3 3 0 30, तो 7 4 20 2 बचा, मतलब 2 कैरी गया, 2 1 2 1 21 और 7 3 20 1 3 4 3 मानो 7 का क्यू होता है, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 4 20 8 6 6 3 63 7 9 63 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर फिर 7 से, तो 2401 कितना आ गया, 2401 हो गया 7 × 7 × 7 × 7। हमने पेयर बनाया और देखा दो पेयर बन गए, कोई भी अनपेयर में प्राइम फैक्टर नहीं है, तो कोई भी अनपेयर में नहीं है, इट्स मींस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 2401 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभी पूछ लेता बताओ किसका स्क्वायर है, तो ये पेयर में है, इसका एक फैक्टर लेते हैं 7 × 7 7 × 7 क्या गया 49। ओके तो ये 49 का स्क्वायर है, लेकिन बस हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ लास्ट पार्ट 445 तो लास्ट पार्ट 5 है, 3 से देखें 4 4 8 और 5 13 तो सीज होता नहीं, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल है, ओहो ऐसे लिखोगे ना 4 4 5 क्या करेंगे 5 8 40 कैरी 4 4 5 45 5 9 45 89 क्या होता है प्राइम नंबर होता है, तो क्या हुआ 445 आ गया 5 × 89। इसमें तो दोनों ही अनपेयर हैं, दोनों से मतलब है कोई भी अगर एक प्राइम फैक्टर अनपेयर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लिखना चाहो तो लिखेंगे कि क्या है 5 and 89 दो हैं तो आर लिखो आर नॉट इन पेयर। सो 445 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन टू है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इसमें कई पार्ट्स हैं, एच पार्ट यानी कि 8 पार्ट है, इसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट दे रखा है 16। देखो स्क्वायर आपको है ना याद होंगे, ऐसा नहीं है याद नहीं होंगे, अगर नहीं भी है तो कम से कम कह रहा हूं मैं, ज्यादा से नहीं 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को। जितने स्क्वायर आपको याद होंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, याद रहेगा। और क्यूब 25 या 30 तक के क्यूब याद होना चाहिए। अब स्क्वायर होता क्या, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं 16 के पावर 2 यानी कि 16 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई इटसेल्फ। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, उस नंबर का उसी के साथ मल्टीपल करते हैं। तो 16 × 16 अगर आपको मल्टीपल करूँ स्क्वायर याद नहीं है तो मल्टीपल करना पड़ेगा 16 × 16। पहली बात तो याद होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दिया। देखो 16 6 क्या होता है 96, कैरी कितने 9, 16 × 16 = 9 25, तो इसका स्क्वायर ये हो गया। बी -32 का माइनस की पावर 2 है, तो हमेशा प्रोडक्ट, अगर इवन नंबर होती है माइनस की पावर तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव। इवन से मतलब 2 4 6 8 14 12 ऐसे हो ना, बनना वैसे लिख लो, -(-) प्लस होते हैं। 32 का स्क्वायर भी मेरे को याद है 1200, 2 की पावर 10, ये याद होनी चाहिए 2 की पावर 10 होती है। 32 क्या होता है 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 होता है 1024, या सीधा सीधा 32 का स्क्वायर होता है 1024। ओके क्लियर, और -(-) प्लस। नाउ सी पार्ट 35, स्क्वायर ऑफ 35 होगा 1225। कहोगे सर
मुझे खैर ये तो मुझे याद है 35 का, लेकिन इसमें एक ट्रिक भी होती है, अगर लास्ट में दोनों संख्याएं सेम है, 5 5 सेम से मतलब 5 सेम और 10 प्लेस की डिजिट सेम हो, है ना, लास्ट में 5 5 हो या 5 5 ना हो, इन दोनों वन प्लेस की डिजिट का सम 10 हो, जैसे 5 प्लस 5 10 हो गया, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो, वो यहाँ आ गया, और दोनों सेम है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 का मल्टीपल देखो 4 में कर दो, इससे आगे वाली संख्या से क्या गया 12 12 25। क्लियर, एक और समझाऊं जरा, मान लो होता 31 into 39, तो 9 और 1 वन प्लेस डिजिट का सम क्या 10, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल, 1 into 9 क्या होगा 9, लेकिन इसको हम हमेशा टू डिजिट्स में लिखेंगे, 9 है तो हम 09 लिखेंगे, है ना। अब 3 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 या 12, तो इसका स्क्वायर सॉरी इसका मल्टीपल 31 into 39 करोगे तो ये आएगा, और अगर लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 तो आना है, और 3 के बाद क्या था 4 3 4 या 12, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट तरीके बताई आपको, वरना तो कुछ नहीं, आप दो बार मल्टीपल कर लो। बी पार्ट -46, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -46, यानी कि क्या होगा -46 into -46 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 46 का स्क्वायर होता है 2116, वरना आप रफ्फा कहीं मल्टीपल कर लेना, 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, मैं अभी कह रहा हूँ है ना, 50 तक तो हमें भी याद है, तो 46 का आता है 2116। नाउ नेक्स्ट इज -46 था यहाँ, नेक्स्ट इज 50, ये तो जानती होगे, अगर लास्ट में 0 हो तो इसके स्क्वायर में कितने 0 आते हैं, डबल हो जाते हैं, 10 हैं तो 20 हो जाएंगे, 55 या 25, ये तो बहुत सिंपल सा है ना, 5 का स्क्वायर तो सबको रटा होता है, तो 2500। नेक्स्ट 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा ये 65 into 65, अभी हमने ट्रिक बताई थी 55 है तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, और 6 के बाद 66 है दोनों सेम है, 6 के बाद क्या था 7, 6 का मल्टीपल 7 करो, 6 7 जा 42, तो इसका स्क्वायर हो गया 4225, ए बी सी डी एफ जी पार्ट। -75, ये भी सेम ऊपर ट्रिक लग जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो गई, हमें करना क्या है वैसे -75 into -75, माइनस माइनस प्लस, लास्ट में दोनों 5 है तो 25 तो आने आना है, और ये दोनों सेम है 7, तो 7 के बाद क्या था 8 7 8 जा 56, ये इसका स्क्वायर हो गया। नाउ एच पार्ट -89 क्या होगा, -89 का स्क्वायर -89 into -89, जब माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, और 89 into 89 कर लेना रफ्फा, मैंने कर लिया यहां पर अभी, तो ये हो गया 7921, इसका मल्टीपल को शो करने की जरूरत नहीं है, आप रफ्फा कर लो, और पहले तो याद होते हैं है ना, 50 तक तो सबको याद होती हैं, और किसी को 100 तक भी याद हो सकते हैं, अच्छी बात है, तो 89 का स्क्वायर हो गया 7921। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 539 शुड बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर में डिस्कस कर रहे थे, क्या करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, ये 7 से जाएगा, देखो 7 7 जा 49, कैरी 4 4 9 49 7 7 जा 49, अगेन डिवाइडेड बाई 7 7 बन जा 7, 11 क्या है प्राइम नंबर, तो क्या हुआ 539 किसके इक्वल हो गया 7 into 7 into 11, पेयर बनाए तो 7 का तो पेयर बन गया, अब अनपेयर में कौन है वो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर कौन सा है वो 11, तो पेयर के लिए इसमें 11 से ही मल्टीपल करेंगे, तो लिखेंगे 11 इज नॉट इन पेयर सो बी शुड बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाई 11, बस ही पूछा किससे मल्टीपल करें, जब हम 11 से मल्टीपल कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पूछा था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 539 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीपल करेंगे 11 से, तो जो प्रोडक्ट आएगा अगर हम इसमें 11 से मल्टीपल कर दें जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, एक तो 11 का पेयर ये 77 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये कुछ नहीं पूछा है, बस ये पूछा है किस नंबर से हम मल्टीपल करें, तो आंसर इज 11।
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें डिवाइड का है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, अच्छा संख्या बड़ी है 113,068, इसमें किससे डिवाइड करें, है ना, सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम ऊपर की तरह हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर मैं इससे पूछता हूं इसमें किससे डिवाइड करें, जो अनपेयर है, अगर हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 49, और 49 द स्क्वायर ऑफ किसका, 14 किसका स्क्वायर था 7 का, है ना, तो डिवाइड और मल्टीपल में सेम है, यहां तक तो हमें सेम करना है, जो अनपेयर है उसको पेयर करने के लिए मल्टीपल करेंगे, जितने कम पड़ रहे हैं, पेयर है तो एक ही कम पड़ेगा, और डिवाइड भी क्या सिंगल ही आएगा, पेयर में बन जाएगा तो एक ही बचेगा, तो उसी से हम जितने भी नंबर होंगे अनपेयर उससे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं पहले, तो 13,068 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 4 आ गया यानी कि इवन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14, अभी किससे होगा 3 2 5 5 6 11 7 18, 18 आ रहा है सम, यानी कि 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करें, 3 10 जा 30 कैरी 2 26, 3 8 जा 24, 3 9 जा 18 सम बैठ रहा है, तो फिर अगेन डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9 कैरी 1, 3 6 जा 3 3 जा अगेन 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो यानी कि 11 से जाएगा, 11 बन जा 11 बन जा और 11 बन जा, तो क्या आया 13,068 इज इक्वल कितना है 2 2 2 3 3 से मल्टीपल होगा बस, कैसे, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 1 2 3 और 11 तो पेयर में ही, 11 इंटू 11, 11 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया, एक 2 का, अनपेयर में कौन सा है, एक सिंगल प्राइम फैक्टर 3, तो लिखेंगे कि 3 इज नॉट इन अ पेयर, 3 पेयर में नहीं है, तो अगर मल्टीपल करने का सवाल है तब भी हम 3 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड भी हम 3 से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो बी शुड बी डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 3, नंबर तो नहीं पूछा, सो डेट द क्वेश्चन इज पूरा ओके, अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, इन सबका मल्टीपल कर दोगे है ना जो भी आएगा, तो यह आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5, नाउ क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट्स 1 एज इट्स यूनिट्स प्लेस व्हाइल स्क्वायरिंग द फॉलोइंग नंबर, ये सारे नंबर देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनमें बताने इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट्स की डिजिट्स 1 होगी। तो हमने देखो एक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कि हमने वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा है ना, उसे आप देख लेना, उसमें हम सब डिस्कस कर चुके हैं कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है कौन सा स्क्वायर होगा ही नहीं, या किसी नंबर का स्क्वायर करें तो एंड में क्या होता है। देखो वन केवल दो ही जगह आता है जब लास्ट में वन हो और नाइन हो, देखो वन का स्क्वायर करो लास्ट वाला नंबर है ना, तो वन का स्क्वायर वन होता है वन आ गया, फाइव का करोगे 25 लास्ट में फाइव आएगा, नाइन का स्क्वायर करो नाइन का स्क्वायर होता है 81, तो लास्ट में यानी कि वन प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस बोलते हैं वन आता है। कौन कौन से होंगे जिसके लास्ट में 1 हो, 11 है, 49 है, 59 है, 79 है एंड 81, इनमें से ये नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट्स यानी कि 1 प्लेस डिजिट्स जिसे हम और दूसरे क्या बोलते हैं यूनिट्स प्लेस डिजिट्स का आंसर क्या होगा, डिजिट्स क्या होगी 1, तो बस इसमें यही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। सॉल्यूशन इसका कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 11 मतलब कौन सा 11 है, ए पार्ट जो है 11, सी कौन सा 49, 51, 79 एंड जी कौन सा 81, 81 ये 11, 40 जिसके लास्ट में 1 है और 9 है उनका स्क्वायर करने पर भी 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स हमेशा क्या होगी 1, 11, 49, 51, 79 एंड 81, ये इसके आंसर हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट्स 1 एट इट्स यूनिट्स प्लेस व्हाइल स्क्वायरिंग द फॉलोइंग नंबर, तो क्या लिखोगे एंड दिस हैव 1 एट यूनिट प्लेस व्हाइल
क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग, बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना व्हाइल स्क्वायरिंग दीज नंबर एवम नंबर, दीज एवम नंबर या एवम नंबर लिख दे रहा हूँ खाली, बस बहुत है। तो समझिए इसका स्क्वायर देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, लास्ट में 1 आ गया है ना। 49 का स्क्वायर हमने शायद अभी आया था थोड़ी देर पहले, हमने की 49 या 50 तक के याद नीचे, 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401, लास्ट में 1 आ गया। एक 9 का स्क्वायर चेक करा देता हूँ मैं आपको, कौन सा 49 का करा दिया, एक 11 का। तो इन सब का स्क्वायर करोगे लास्ट में हमेशा 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। आप है ना इंट्रो वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैं इसमें वो सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। पहला देखा 36, 36 को हमें ऑड नंबर के सम में लिखना है लगातार, वन से स्टार्ट करेंगे। तो कितने होते हैं देखो, 36 किसका स्क्वायर है, या दूसरे शब्द में कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है, है या 36 का स्क्वायर रूट 6। तो 6 ऑड नंबर का सम लगातार 6, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद आएगा 11, 6 हो गए 1 2 3 4 5 6। इन सबको ऐड करोगे तो 36 आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है अगर, है ना, तो इसको हम अगर हम ऑड नंबर के सम में लिखें तो उस ये किस नंबर का स्क्वायर है, जैसे 36 है, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो 1 से लगातार 6 ऑड नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, ऐड करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी 36 ही बैठेगा। सेकंड नंबर दे रखा 64, अब देखो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, तो ऐसे ऑड नंबर कितने चाहिए 8, 1 6 तो यही 2 और ऐड कर दें, 11 के बाद क्या आएगा 13 और 13 के बाद क्या आएगा 15, तो ये 8 ऑड नंबर हो गए। तो 64 इन 8 ऑड नंबर के सम के इक्वल है, चेक करना ये बैठेगा, यहाँ में चेक नहीं करना है बस लिखना है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यानी कि सब प्लस 78 तो ये आई गए, तो क्या होंगे ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। इन सबको ऐड करना, देखो 64 तो यही है, 64 में 17 ऑड कर लो 81 आ गया, क्लियर। नाउ लास्ट 144 किसका स्क्वायर था 12 का, कितने होंगे 12 ऑड नंबर होंगे, तो 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो फर्स्ट 12 ऑड नंबर लिख दो, 9 थे 17 तक, तो पहले मैं 17 लिख दूं, कोई छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और ये किसका है 12 का, इसका तो 12 बार लिखते हैं 9 हुए ये 10 हो गए, इसके बाद आएगा 11 और इसके बाद 20, ये इसका आंसर हो गया। आप इन सबको ऐड कर लेना तो इसका सम 100% 144 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये तो 6 पड़ गया 7, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी हम इंट्रो में डिस्कस कर चुके हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पहले एक बार और कर देता हूं मैं, देखो ऐसे तीन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, तीन नंबर लिए, इसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होगा बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सब, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, देखो आ गया 25। तो ऐसे थ्री नंबर जिनका, जिसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों छोटे स्क्वायर के सम के, वो तीनों नंबर कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ये होते हैं, एक होता है 2n, एक होता है n स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है n स्क्वायर माइनस 1। अगर हमें नंबर इवन में दे रखूँ, 8th क्लास तक इवन में ही देता है, तो उस नंबर को हम 2n के इक्वल मानते हैं, उससे क्या होगा n की वैल्यू निकलेगी। चलिए करते हैं तब आपको और समझ आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट का 14, तो हमने मान ली 2n के इक्वल है क्योंकि इवन हमें, तो 2n इज इक्वल टू 14। तो देख रहे हैं तीन ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, एक तो यह हो गया, इसके दो और निकालने हैं ना। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, इसमें ऑलरेडी लिखा है वन नंबर इज, एक नंबर दे रखा है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 7 आ गई, 2 से ये 7 बार कैंसिल। हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, जो n निकल के आता है एक नंबर इसे मान लेते हैं, ये नंबर नहीं है भाई, नंबर तो ये है, एक ये है, ये n, ये तो n की वैल्यू है,
ये अक्सर 50 से ज्यादा स्टूडेंट गलती कर दे, एक नंबर ये लिख देंगे और बाकी दो निकाल देंगे। तो ये 2n तो हमें मालूम है, तो अब हम निकालेंगे n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 49 प्लस 1 कितना आ गया 50, एक तो आ गया 50। अब निकालेंगे हम क्या, n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू क्या निकल गई थी 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 तो ये आ गया 48। तो नंबर क्या हुए, एक हमें दे रखा था 14, तो नंबर हो गए 14 और दो जो हमने निकाले, एक निकाला 50 एंड 48। जरा मैं एक चेक करा देता हूँ, चेक करना नहीं है आपको, पर आपका तो आंसर ये आ गया, मैं चेक करा देता हूँ। क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर 50 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 00, मतलब 0 में ना, अहम 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर याद हमने होना चाहिए, बताया था कितना होता है 196। अब निकालेंगे दूसरा नंबर 48, 48 का स्क्वायर 50 60, तक तो मुझे याद है ये होता है 230 को, तो सबसे बड़े निकला है। अब इन दोनों को जरा ऐड करें, यानी कि 14 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर ऐड करके देखें, 196 प्लस 230 को देखें, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 31415 देखो आ गया, और ये किसके स्क्वायर है 50 के स्क्वायर। तो ये कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये तो मैंने आपको चेक कराया है, इसकी आपको नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है एक नंबर हमें दे रखा है और वो दे रखा होगा 2n, इवन नंबर होगा तो 2n इक्वल मान लेते उसे, जो n की वैल्यू इन दोनों पुट कर देंगे कि बाकी दोनों नंबर निकलेंगे। आप कहोगे सर पहला कौन सा निकालना है, ये आपकी चॉइस है, कोई सा भी निकाल लो, n स्क्वायर माइनस 1 लिख लो चाहे n स्क्वायर प्लस 1, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन चीज ये है नंबर हुए 14, हाँ इसको इंक्रीज या डिसेंडिंग ऑर्डर में सकते हैं, 14 48 50 ये नंबर हो गए। इसी का बी पार्ट, चलिए करते हैं बी पार्ट। अब बी में हमें एक नंबर दे रखा है 10, तो हमने कहा था इसे क्या मानते हैं 2n, 2n की वैल्यू दे रखी है 10, सो वैल्यू ऑफ n इज 10 बाई 2, तो इससे n की वैल्यू निकलाई। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्या n की वैल्यू है, ये कोई पाइथागोरियस ट्रिपलेट नहीं है, एक तो ये है, दो और निकालने हैं। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 या n स्क्वायर माइनस 1 निकाल लो। 5 की n की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 ये कितना हो गया 25 प्लस 1 यानी कि 26। तो एक हमें दे रखा था, एक हमने फाइंड कर लिया 26। अब तीसरा कौन सा होता है n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24। तो नंबर्स क्या हो गए पाइथा, चलो एक लिख रहा हूं पूरा, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक हमें क्या दे रखा था 10, फिर एक निकला 24 ये रहा, और एक निकाला हमने 26। 10, 24, 26, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। नाउ सी पार्ट, नंबर इज 16, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर दे रखा है 16, यानी कि हमने बताया 2n की वैल्यू रखी है 16, इससे n निकलाया 28 से 16, 8 आ गया। तो अब निकालेंगे हम एक n स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 64 माइनस 1 63, तो एक हमने निकाल दिया 63, एक 16 दे रखा था, दूसरा आ गया 63, यहाँ ही निकाल दे रहा हूँ मैं, और थर्ड होगा n स्क्वायर प्लस 1, n की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65। तो नंबर्स क्या हुए, एक हमें 10 दे रखा था, दूसरा निकाला 63 एंड थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट विल बी 65। नाउ डी पार्ट, नंबर दे रखा है 22, तो फर्स्ट नंबर 22 गया, तो सेकंड नंबर निकालना है, इसको मैं पूरा लैंग्वेज से लिख दे रहा हूं, और ये गलत कर दिया, पहले तो हमने ये मानेंगे 2n है ना, 2n इज इक्वल 22, सो वैल्यू ऑफ n विल बी 22 अपॉन 2, तो n की वैल्यू आ गई 11, इधर जानते 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो सेकंड नंबर, नंबर से मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था, n स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1, 121 माइनस 1 तो कितना हो गया 120। सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास निकलाया 120। नाउ थर्ड, थर्ड क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1,
तो थर्ड नंबर एन स्क्वायर प्लस वन, द वैल्यू ऑफ एन इज 11, तो 11 स्क्वायर प्लस वन, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस वन, तो ये हो गया 122। तो आंसर क्या हो गया, हमें एक नंबर 22 दे रखा था, दूसरा हमने निकाला 120 और तीसरा निकाला 122। ओके, तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन 13 तक है इसमें वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक न्यू चैनल और है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अगर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।